आप देख रहे हैं पी न्यूज उत्तर प्रदेश, खबरों का बादशाह। जिले के लिए एक अच्छी खबर है, मेडिकल कॉलेज से 14 कोरोना मरीज डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज में भर्ती ये मरीज अब ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद इन्हें वापस इनके घर भेज दिया गया है। बीती रात मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल व जिला अस्पताल के चिकित्सक की मौजूदगी में ये मरीज भेजे गए हैं। मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों में भाजयुमो महानगर अध्यक्ष भी शामिल थे, जिन्होंने बताया है कि उन्हें कॉलेज में काफी बेहतर सुविधाएं मिली हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज में भर्ती बीती देर रात 14 कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घरों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एम्बुलेंस के माध्यम से डिस्चार्ज किए गए। इस दौरान मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता अनेजा और सीएमएस का प्रभार देख रहे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आलोक कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी का ताली बजाकर सम्मानित नजर से उत्साहवर्धन भी किया गया। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता अनेजा ने बताया कि ये सभी ठीक होने पर डिस्चार्ज किए गए हैं, पर इन्हें अभी अपने घर पर क्वारंटाइन रहना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी, मास्क का प्रयोग करना होगा, बाकी काफी एहतियात भी बरतनी होगी। फिलहाल मेडिकल कॉलेज में एक साथ 14 मरीज ठीक होना जिले के लिए एक अच्छी खबर है। इसमें भाजयुमो महानगर अध्यक्ष भी शामिल हैं। सभी मरीजों ने सुविधाओं को बेहतर बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फिरोजाबाद। कोविड के जो पेशेंट है उनको डिस्चार्ज किया गया है और एक तरीके से जंग जीत गया है कोविड से। इस तरीके से देखते हैं क्या ट्रीटमेंट, क्या ना सावधानी बरतनी होंगी अब घर पर जाकर। उनके बच्चे पहले जा चुके हैं, उनके परिवार वाले भी जा चुके हैं, मदर्स आज गए हैं। अब जो कोविड का शिकार हुए थे आज आप डिस्चार्ज हो रहे हैं, किस तरीके से और क्या क्या सुविधाएं मिली अंदर आपको? नहीं, जो कोविड का शिकार हुआ तो मैं अपने ऑफिस से ही हुआ। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि मेरे साथी जो है एक दिन हुआ बुखार आए तो मुझे भी दूसरे दिन आ गया, मैंने तुरंत जाँच कराई है। यहाँ पर सुविधाएँ अच्छी हैं, खाना पीना भी सही मिल रहा है, देखभाल भी सुबह शाम हो रही है, डॉक्टर भी सुबह शाम चेक करने आते हैं। अगर कोई परेशानी है तो पेशेंट अपने आप ना बताए तो बात अलग है, उनका पूरी चीज़ पूछी जाती है। अब कोई दिक्कत है कैसी भी बात है, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के जो भी मेडिकल ऑफिसर है सभी पूछते रहते हैं। स्टाफ को धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, मैं स्टाफ को बहुत धन्यवाद देता हूँ। समय से हमारी सारी जाँचें हुई हैं और हमारी जो भी समस्याएं सुनी हुई हैं। कोविड-19 की जंग जीत कर आए हैं आप, आज डिस्चार्ज हुए हैं, किस तरीके का अनुभव था आपका ये कोविड-19 पे? ये कल एक प्रकार का अनुभव था, लोगों की समाज सेवा करते हुए, मदद करते हुए इसका वो हुआ मुझे। पर यहाँ स्टाफ ने अंदर ऊपर जो भी डॉक्टर्स काम करते हैं उन सभी का मैं बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन सभी ने इतनी सेवा के साथ हम लोगों को यहाँ देखा और पूरे हॉस्पिटल स्टाफ ने बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं।